हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर मैथमेटिक्स पजल वीडियो। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 45 प्लस 6 जो कि हमें इक्वल दिया गया है 306 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 43 प्लस 7 जो कि हमें इक्वल दिया गया है 350 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 49 प्लस 8 जो कि हमें इक्वल दिया गया है 456 के इक्वल दिया गया है। और हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 52 प्लस 9 किस चीज के इक्वल होगा, ये हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूँ। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप अपना आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 45 प्लस 6 जो कि हमारे पास इक्वल होता है 51 के इक्वल होता है, और हमें यहाँ पे इक्वल दिया गया है 306 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 43 प्लस 7 जो कि हमारे पास इक्वल होगा 50 के इक्वल होगा, और हमें यहाँ पे इक्वल दिया गया है 350 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 49 प्लस 8 जो कि हमारे पास इक्वल होता है 57 के इक्वल होता है, और हमें यहाँ पे दिया गया है 456 के इक्वल दिया गया है। और हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 52 प्लस 9 जो कि हमारे पास इक्वल होगा 61 के इक्वल होगा, और हमें यहीं पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स किसका, यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास सिंपली क्या फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है इन दोनों नंबर का सम। 45 प्लस 6 जिसका सम इक्वल होता है हमारे पास 51 के इक्वल होता है। उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको लेना है सेकंड नंबर को जो कि हमारे पास है 6, और उसी 6 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 51 मल्टीप्लाई 6 जो कि हमारे पास इक्वल होगा 306 के इक्वल होगा, और 306 आपको अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। नेक्स्ट में भी हमारे पास सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको लेना है इन दोनों नंबर का सम। 43 प्लस 7 जो कि हमारे पास इक्वल होगा 50 के, उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको लेना है सेकंड नंबर को जो कि हमारे पास है 7, और उसी 7 से कर देना है आपको मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 7 जो कि हमारे पास इक्वल होगा 350 के इक्वल होगा, और 350 आपको अपने स्क्रीन पे भी देख रहा है। सेम फॉर्मूला हमारे पास नेक्स्ट में भी यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में लेना है आपको इन दोनों नंबर का सम। 49 प्लस 8 जिसका सम इक्वल होता है हमारे पास 57 के इक्वल होता है, और उसके नेक्स्ट स्टेप में लेना है आपको सेकंड नंबर को जो कि हमारे पास है 8, और उसी 8 से कर देना है आपको मल्टीप्लाई 57 मल्टीप्लाई 8 जो कि हमारे पास इक्वल होगा 456 के इक्वल होगा, और 456 आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सेम फॉर्मूला हमारे पास लास्ट में भी यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में लेना है आपको इन दोनों नंबर का सम। 52 प्लस 9 जिसका सम वापस इक्वल होगा 61 के इक्वल होगा, और उसके नेक्स्ट स्टेप में लेना है आपको सेकंड नंबर को जो कि हमारे पास है 9, और उसी 9 से कर देना है आपको मल्टीप्लाई 61 मल्टीप्लाई 9 जो कि हमारे पास इक्वल होगा 549 के इक्वल होगा, यानी कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 549 आएगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।